क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीरता नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से

इनके पॉजिटिव बैक्टीरिया का नाम क्या है हाँ क्वेश्चन बड़ा है पर आपको आंसर करना है ठीक है क्योंकि हमारा लक्ष्य भी बड़ा है समझ गए तो आपको बताना है कि किस बैक्टीरिया से कॉलरा होता है किस बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है किस बैक्टीरिया से लेप्रोसी होता है किस बैक्टीरिया से प्लेग होता है किस बैक्टीरिया से टिटनेस होता है किस बैक्टीरिया से एंथेक्स होता है किस बैक्टीरिया से ट्यूबर क्लोसिस होता है किस बैक्टीरिया से हुपिंग कफ होता है किस बैक्टीरिया से डिफ्थीरिया होता है किस बैक्टर से निमोनिया होता है और मोस्ट कॉमनली डायरिया में कौन सा बैक्टर इन्वॉल्व होता है ये आपको बतलाना है और ये सारे बैक्टे के नाम मैंने पिछली क्लास में बोले थे आपने ध्यान से नहीं सुना तो आपकी गलती है ठीक है बेटा कुछ भी बोलता हूं यहां पे समझाता हूं वो एग्जाम से जुड़ा हुआ होता है समझ गए ना कि दो ही चीजें हैं बेटा बायोमेंट्रस में चीजें जो मैं आपसे कह रहा हूं वो या तो एग्जाम से जुड़ी होंगी या जिंदगी से जुड़ी होंगी ठीक है जिंदगी में अपने आप में इम्तिहान होता है उसमें भी हमको बहुत कुछ सीखना होता है बेटा ठीक है चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि दही के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया का नाम बताइए ये तो फटाफट दिमाग में आया दही के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया का नाम बताइए कि कौन सा बैक्टीरिया कर्ड के अंदर मिलता है हमको जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है ठीक है

चीज का फ्लेवर चीज का टेक्सचर और चीज और चीज का जो है वो फ्लेवर हुआ टेक्सचर हुआ उसको हम जो है वो कौन सा माइक्रो ऑर्गनिज यूज करते हैं इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कलर टेक्सचर फ्लेवर इस पर डिपेंड करता है ठीक है आपको ये भी बताना है कि स्विस चीज में बड़े बड़े होल क्यों दिखाई पड़ते हैं और कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है स्विस चीज के अंदर जो बड़े बड़े होल दिखाई पड़ते हैं ये किस बैक्टीरिया के कारण होते हैं और कौन सी प्रक्रिया इसमें रोल प्ले करती है ठीक है चलिए तो आज हम अगले हिस्से पर बढ़ते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हमने पिछली क्लास में डोमेस्टिक यूजर्स के बारे में बात किया था कि घरों में क्या माइक्रोबायोलॉजी का हम यूज करते चले आ रहे हैं उस पर बात किया था लड़के के अभी हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के कैसे औद्योगिक स्तर पर हम यूज करते अब देखो बेटा घर में जब हमको दूध से दही जमाना था तो हमने छोटा सा बर्तन लिया दूध लिया एक चम्मच दही हमने दही लिया, दह, लिया उसमें और मिलाया उसमें हमने इनोकुलम के रूप में मिलाया और बैक्ट और बैक्टेरा ने ग्रो अपने आप को ग्रो किया कल्चर मीडियम में दही बन गया पूरा ऐसे ही किया था हमने ठीक है लेकिन जब हम इंडस्ट्रियल लेवल पर बात करते हैं एल्कोहल उद्योग की यदि हम बात करें तो वहां पर बड़े बड़े स्टील के कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है छोटे से बर्तन में काम नहीं होगा देखो इंडस्ट्री का मतलब यह है बड़े पैमाने पर उत्पादन करना ठीक है कोई भी इंडस्ट्री जो होती है बेटा वो बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करती है ताकि उसको मास में सप्लाई कर सके बड़ी मात्रा में उसको वो सप्लाई कर सके क्लियर तो इंडस्ट्री में यदि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है तो आप सिंपल कल्चर प्लेट से काम नहीं बनेगा देखो सिंपल छोटी सी कल्चर प्लेट लेबोरेटरी में यूज करोगे काम चलेगा घर में आपने छोटा बर्तन यूज किया काम चलेगा लेकिन इंडस्ट्री में तो आपको बड़े बड़े स्टील के कंटेनर यूज करने पड़ेंगे तो वो जो कंटेनर जिनमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया हो रही होती है उन्हें हम फर्मेंटेटर बोलते हैं उनको हम फर्मेंटर बोलते हैं फर्मेंटर कोई भी अब देखो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कोई भी फर्मेंटर में क्या क्या होना चाहिए बड़े साइज का होना चाहिए प्रॉपर उसमें गैस यदि मान लीजिए ऑक्सीजन डिपेंडेंट बैक्टीरिया है प्रॉपर गैस की उसमें सप्लाई होना चाहिए या उसमें प्रॉपर कल्चर मीडियम उसके अंदर मिलना चाहिए ओल्ड कल्चर को निकालने की व्यवस्था होना चाहिए ताकि जो भी प्रोडक्ट बना उसको निकाल सके नया कल्चर लगातार प्रोड्यूस अंदर देने की व्यवस्था होना चाहिए ताकि बैक्टीरिया को लगातार न्यू कल्चर मिलता रहे फूड मिलता रहे तो फूड की कुल मिलाकर पर्पज ये कि कोई भी फर्मेंटर दो चीजें प्रोवाइड करता है कोई भी फर्मेंटर दो चीजें प्रोवाइड करता है नंबर एक ऑप्टिमम कंडीशन फॉर ग्रोथ

वरेजेस एंड एंटीबायोटिक आर सम एग्जाम्पल के देखो एंटीबायोटिक फार्मा फार्मास्यूटिकल्स के यानी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती हैं हैं और फार्मास्यूटिकल सबसे बड़े होती है उसके पीछे कारण ये कि से तो बीमार होंगे बीमार होंगे तो दवाएं लगेंगी तो फार्मा कंपनी जो होती है वो दवाओं को बाती है और फार्मास्यूटिकल में कई तरह के प्रोडक्ट होते हैं उसमें से एक होता है एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स को आप माइक्रोब्स की हेल्प से बनाते हैं कैसे हम आगे बात करेंगे दूसरा के जब विवरेज की बात करते हैं बेटा तो बेसिकली हम बात करते हैं एल्कोहलिक पेय पदार्थ एल्कोहलिक ड्रिंक्स के बारे में हम बात करते हैं कि जो एल्कोहल इंडस्ट्री पूरी की पूरी माइक्रोब पर डिपेंडेंट है ईस्ट पर डिपेंडेंट होती है ठीक है देखिए जब हमें इंडस्ट्रियल जब हमें इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्शन करना होता है औद्योगिक स्तर पर प्रोडक्शन करना होता है माइक्रो को ग्रो करने के लिए बड़े आकार के बर्तनों की आवश्यकता होती है और इन बड़े आकार के बर्तनों को अब फर्मेंटर्स बोलते हैं आप देख रहे हैं ये फर्मेंटर आपको बता दू मैं कि ये जो फर्मेंटर होते हैं इनमें जब फर्मेंटेशन चल रहा होता है ना तो बड़े पैमाने पर हीट जनरेट होती है क्योंकि देखो आपको पता है ना एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कार्बन जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उस पर यदि बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा उसको फर्मेंट करेगा वो जब फर्मेंटेशन होगा उसमें तो क्या बनेगा सीओ जो है वो इथाइल एल्कोहल बनेगा प्लस जो है वो सीओ टू बाहर निकलेगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगी आपको होता हूँ ये फर्मेंटर काफी गर्म हो है जाते हैं क्योंकि तो मुझे अच्छे से मालूम है कि मैं आ, कुछ दिनों पहले यहाँ पर बॉम्बे के पास में एक है वाइन यार्ड है वाइन यार्ड मतलब यहाँ पे वाइन बनती है उसका बड़ा फेमस नेम है वो है आपको भी गूगल करेंगे देख सकते हैं आप उसको सुला के नाम से उठ के सुला सुला वाइन के बड़े फेमस के मुंबई के नासिक, नासिक में एक्चुअली नासिक में मुंबई के पास में नासिक में है सुला वाइन याड्स में वहां गया था वहां पे उन लोगों का जो है एक छोटा सा रिजॉर्ट भी बना हुआ तो उसमें हम रुके थे देखा हमने वाइन आर्ट कैसे वाइन बनती है तो वो वाइन टूर कराते हैं तो मैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए ले गया कि भाई देखो कैसे वाइन बनता है किस प्रकार का ये इंडस्ट्री होता है ठीक है तो वहां पे हम लोग देखें फर्मेंटर को किस प्रकार से फर्मेंट करते हैं तो जो फर्मेंटर होते हैं ना उसको गर्म नहीं करते लेकिन इतना हीट जनरेट होता है अंदर इसमें कि वो फर्मेंटर काफी गर्म हो जाता है तो उसमें लिखा होता है डोंट टच इट 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 में भी हार्ट के तो वो इतना हीट जनरेट होता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ठीक है तो औद्योगिक स्तर पर यदि आपको जो है इंडस्ट्री लेवल पर यदि आपको जो है वो प्रोडक्शन करना होता है तो उस समय आपको जो है उस समय आपको जो है वो बड़े आकार के बर्तनों की आवश्यकता थी है हम फर्मेंटर्स बोलते हैं आप देख रहे हैं आपको दिखाई पड़ रहा है इमेज में फर्मेंटर दिखाई दे रहे हैं ठीक है अब

अंगूरों को अंग्रेप्स का इस्तेमाल करते हैं के तो होता क्या है बेटा कि जो फर्मेंटर है उसमें लगातार कल्चर मीडियम प्रोवाइड किया जाता है जो कल्चर मीडियम ग्राफ अंगूर के रूप में होगा या स्प्राउटेड बार्ली के रूप में होगा ठीक है जो फूड हो गया बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए या ईस्ट के यीस्ट बैक्टीरिया नहीं यीस्ट बोलेंगे हम के यीस्ट की ग्रोथ के लिए जो है वो क्या हो गया ये फूड हो गया यीस्ट ग्रो करेगा पर ईस्ट ग्रो करेगा लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो ईस्ट की जो ग्रोथ होती है ना वो ऐसा होता है कि जैसे एल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन बारह तेरह परसेंट होता है

देखो लिखा ना है ना बेटा पर देखते हैं ये ध्यान के वाटर कूल्ड जैकेट लगा हुआ के, तो है इसमें क्योंकि ये गर्म आता है मैंने कहा इसमें फर्मेंटेशन में चूंकि एनर्जी निकलती है और एनर्जी जो निकलती है उस एनर्जी को से, से ऐसा ना हो कि फर्मेंटर काफी गर्म हो जाए इतना गर्म हो जाए कि ईस्ट ग्रो ना कर पाए तो उसे कूल रखने के लिए वाटर कूल्ड जैकेट लगा होता है इसमें ठीक है फिर है ना तो और उसके बाद क्या होता है कि ठंडा पानी अंदर डालते हैं गर्म पानी बाहर निकालते हैं तो कुल मिला के जो हीट जो भी बन रही है उसको एब्जॉर्व करके बाहर लगा दे निकाल देते हैं ठीक है न्यूट्रेंट और माइक्रो ऑर्गेज की लगातार सप्लाई करते हैं लगातार ईस्ट को सप्लाई करते हैं लगातार न्यूट्रेंट को सप्लाई करते हैं और दूसरे एंड से प्रोडक्ट को उत्पाद को निकाल रहे होते हैं कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉन अंदर लगे होते हैं कंप्यूटर से जुड़े हुए जो है वो सेंसर इलेक्ट्रॉन सेंसर होना चाहिए कंप्यूटर से जुड़े हुए सेंसर वहां लगे होते हैं फर्मेंटर के अंदर जो एल्कोहल कितना परसेंट बन चुका है उसका पता लगा लेते हैं ओके जैसे

बुरा है बिल्कुल बुरा है सेहत के लिए एडिक्शन एनी एडिक्शन इज बैड फॉर हेल्थ ठीक है तो दूसरी बात यह कि एल्कोहल का संबंध आदमी के साथ कितना पुराना है आप एक बात समझ लीजिए कि जब कभी किसी कोई बीमार पड़ता है ना तो लोग क्या बोलते हैं लोग बोलते हैं भाई इसका दवा दारू करा दो क्या बोलते हैं दवा दारू करा दो इसका मतलब आदमी ने किसी जमाने में एल्कोहल को दवा के रूप में यूज किया हुआ है आज भी आयुर्वेदिक कई सारी दवाओं में एल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है आज भी कई सारे कफ सिरप में एल्कोहल का इस्तेमाल होता है आज भी कई दवाओं में स्पेशली होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं में एल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है तो एल्कोहल एक्चुअली है क्या ग्लूकोज का ही डेरिवेटिव है जो फर्मेंटेशन के बाद बनता है लेकिन वही बात है कि थोड़ी क्वालिटी चेंज है कैरेक्टरिस्टिक चेंज है इसलिए जो है वो वो एल्कोहल का एडिक्शन बुरा होता है सेहत के लिए लेकिन तमाम जो है बातों के बावजूद जो है तमाम कितनी भी हम बात कर रहे हैं एल्कोहल अप इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक है और एल्कोहल का संबंध मानव सभ्यता से उतना ही पुराना है जितना हमारा नॉलेज इसकी सभ्यता के बारे में मतलब लोग कहते हैं कि आपको इसके एविडेंस मिलेंगे आठ हजार बीसी उसके ऊपर ऊपर मिलेंगे लोग कहते हैं जो यूनान का लिटरेचर पढ़ते हैं जो इजिप्ट का लिटरेचर पढ़ते हैं वो बतलाते हैं कि एक जमाने में सैनिकों को वेतन मिलता था बियर के रूप में एंड सैनिक युद्ध करके आएगा थक उसे नीड होगी तो उसे बियर मिलेगी फिर वो बियर देगा किसी किसान को उसके बदले अनाज मिलेगा फिर वो बियर देगा किसी दुकान पर कपड़ा मिलेगा उसके लड़के वो बिये एक जमाने में करंसी की जगह पर बियर का इस्तेमाल होता था

जैसे आपसे हमने, हमने, हमने कहा कि जो विस्की होती है वो बेसिकली वार्ली से बनती है ठीक है से होता, ठीक शुगर कैन से भी जो है वो विस्की को तैयार किया जाता है ठीक है शुगर जो है वो वो शुगर कैन से निकला रस होता है उससे भी हम विस्की तैयार करते हैं ठीक है फ्रूट से जो है हम क्या करते हैं वाइन तैयार करते हैं स्पेशली ग्रेप से अंगूर से हम वाइन तैयार करते हैं एगेव जो है आजकल आपने नाम सुना होगा टकीला ठीक है टकीला जो होता है ना टकीला जो जो, जो लोग बोलते हैं टकीला शॉर्ट्स वर्ड यूज करते हैं लोग के टकीला जो है ये एगेव के फर्मेंटेशन से बनता है ठीक है तो रॉ मेटेरियल कोई भी हो कुल मिलाकर रॉ मेटेरियल शुड बी ए सोर्स ऑफ द ग्लूकोज ग्लूकोज का सोर्स होना चाहिए वो ठीक है उस पर ईस्ट ग्रो करता है ठीक है और वो फ, वो शुगर को फर्मेंट करता है के के तो माल्टोज सुक्रोज फ्रक्टोज ग्लूकोज इन सब पर ईस्ट ग्रो करता है और इनको फर्मेंट करता है के फर्मेंटेशन में जिस ईस्ट का हम यूज करते हैं वो होता है सेक्रोमाइसिस जो जिस ईस्ट का हम किडवन क्रिया में इस्तेमाल करते हैं फर्मेंटेशन में इस्तेमाल करते हैं वो वह सेक्रोमाइसिसी होता है जिसको बोलते हैं हम अभी बोलेंगे इसको हम ब्रेवर्स ईस्ट बोलेंगे इसको हम देखो कितना ये ईस्ट वो है जब ब्रेड बनाता है तो उसको बोलते हैं बेकर ईस्ट कि भाई बेकरी में काम कर रहा है बेकरी ब्रेड बनाने के लिए होती है ब्रेवरीज एल्कोहल बनाने के लिए होती है ठीक है तो एक वर्ड होता है ब्रेवरीज ठीक है ना ब्रेवरीज ये एल्कोहल इंडस्ट्री में काम के लिए होती इनके तो ब्रेवरीज जो होती है वहां पर ब्रेवर्स ईस्ट का यूज करते हैं ब्रेवर्स ईस्ट क्या होता है सेक्रोमाइज सेरिबिसी होता है जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में रोल प्ले करता है ठीक है तो क्या देखते हैं बेटा कि फर्मेंटेशन में हमने आपसे कहा कि जो है बियर वाइन साइड अब देखो क्लियर कर दो बियर में वाइन में और विस्की में विस्की के कई वैरायटी होते हैं विस्की में एक होता है विस्की होता है एक रम होता है एक जो है इसके बाद बात बात करें हम जो है वो विस्की हो गया रम हो गया इसके अलावा जो है जिन हो कहते हैं लॉर्ड लॉर्ड सॉफ्ट के तो बोधका हो गया तो बोधका को याद रखिए बोधका बनाने में पटेटो का यूज करते हैं बोधका बनाने के लिए रॉ मटेरियल पोटेटो का इस्तेमाल करते हैं पटेटो का यूज करते हैं ठीक है आलू का यूज करते हैं तो बियर और वाइन जो होती है उनमें कम एल्कोहल परसेंटेज इसलिए होता है क्योंकि वो फर्मेंटेशन से बने हुए डायरेक्ट उत्पाद होते हैं ठीक फर्मेंटेशन हुआ बियर बन जाता है प्यूरीफाई करते हैं सप्लाई करते हैं मार्केट में फर्मेंटेशन हुआ वाइन बन गया प्यूरीफाई किया सप्लाई कर दिया के लेकिन जब विस्की बनाना होता है तो फर्मेंटेशन के बाद जो भी हमको एल्कोहल मिलता है उसको डिस्टिल्ड करते हैं ऐसे इंडस्ट्री को हम डिस्लरीज बोलते हैं डिस्टिल्ड करते हैं उसको हम और उसको फिर वाटर को उसमें ऐड करते हैं फ्लेवर को ऐड करते हैं

पुराना एल्कोहल होगा उतना महंगा होता है आर लॉट्स ऑफ कोई कई विस्की होती, होती है कई स्कॉच होती है दस साल पुराना आठ साल पुराना सोलह साल पुराना बीस साल पुराना पच्चीस साल पुराना इटके तो ये जो जितना पुराना एल्कोहल होता है उतना, उतना, उतना कीमती होता है क्योंकि वो सोचिए कि मतलब जो एक बड़ी कंपनी है जो एल्कोहल इंडस्ट्री में लीडर के रूप में काम करती है वो कंपनी है उसका जो ब्रांड नेम है वो जॉनी वॉकर के नाम से एक

एल्कोहल बना एल्कोहल को उन्होंने जो है वो फिर क्या किया उसमें उन्होंने जो है वो वाटर को एड किया उन्होंने ठीक है कंटर में डाल के उन्होंने रखा उसको और उससे बोलते हैं राइपनिंग ऑफ विस्की विस्की बोलते हैं उसको वो लोग ठीक है तो एक्चुअली में ये अपना एक बहुत बड़ा साइंस एल्कोहल को कैसे डेवलप किया गया ये भी एक साइंस का हिस्सा होता है देखिए तो हमने आपसे कहा कि फर्मेंटेशन के बाद जो है दो तो चीजें एक मैचुरेशन से सीधा सीधा बन जाता है वियर वाइन साइडर मीट के याद रखिएगा ये डायरेक्ट दारेक, डायरेक्ट फर्मेंटेशन के बाद बने हुए हैं वियर वाइन साइडर मीट के जबकि डिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है स्प्रिट जो बनते हैं मैच्योर डिस्प्रिट बनते हैं जिनको कई मैचुरस्प्रिट का मतलब है कई साल तक इनको रखते हैं इनके वो होते हैं विस्की होता है जो है कॉनियक् इस... स्पेलिंग होता है सी ओ जी एन एनएक कॉग्नेक लिखा होता है पर उसे बोलते हैं कॉनियक्ट के है हुआ और रम हुआ ये मैच्योर मैचुरस्प्रिट होते हैं नॉन मैच्योर मैचुरस्प्रिट में जिन आता है बोधका आता है ग्रेपा आता है और सिपेरो आता है ठीक है ये सब जो है वो एल्कोल की वैरायटी होती है और जो कुछ ही मैंने आपको बताया है ये सब कुछ नया नहीं है देखिए एक एक तस्वीर है जो पुराने समय के आज के कई सौ वर्षों पुराने जो है, जो है वो कहानी को बतलाती है कि कैसे कभी किसी जमाने में एल्कोहल बनता था और एल्कोहल जो है मैं क्लियर कर दूं कि एल्कोहल जो है उसका ह्यूमन सिविलाइजेशन से बड़ा गहरा कनेक्शन रहा है बहुत समय पुरान, पुराना कनेक्शन ठीक है देखिए वर्शिप मुझे इराक के आसपास का एरिया था एग्जैक्ट exactly नहीं कर पाऊंगा जैसे आज हम बोलते ना कि अमेरिका सबसे अमीर है हम आज कहते हैं जापान सबसे अमीर देशों में से एक है क्लियर एक जमाने में पूरी दुनिया में बेबिलोन जो था वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर शहर में से एक था मतलब बेबीलोन मतलब हर आदमी की थी कि बेबीलोन को एक बार देख के आया कितना अमीर कैसे पे 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 है तो तो बेबीलोन में जो है वो वाइन वाइन इंडस्ट्री की तो के एक देवी की पूजा करते थे जो वाँगी, जिनको वाँगी बोलते थे, के? बात है सत्ताइस ट्वेंटी इन ग्रीस वन ऑफ फर्स्ट एल्कोहलिक वेवरेज टू गैन पॉपुलरिटी वॉज मीट में जिस एल्कोहलिक वेवरेज का सबसे अधिक बार लिटरेचर में जिक्र किया गया है और सबसे अधिक पॉपुलर था वो था मीट के और इस मीट को बनाने के लिए हनी और वाटर का फर्मेंटेशन है इसको बनाने के लिए हनी का फर्मेंटेशन करते थे वाटर में, में मिक्स करके उसे उसे प्रोवाइड करते थे उसे बनाया करते थे वो लोग ठीक है हनी और वाटर से ग्रीक लिटरेचर इज फुल ऑफ वार्निंग अगेंस्ट एक्सेसिव ड्रिंकिंग के आप सोचिए ग्रीक लिटरेचर आज भी आप देखेंगे तो आपको उसमें बड़े पैमाने पर एल्कोहल के बनाने के तरीके एल्कोहल के के, के फायदे और एल्कोहल के बारे में वार्निंग भी आपको मिलेगी कि अधिक पीने पर ये ये दिक्कतें हो सकती है ठीक है और उस वार्निंग में एक इंटरेस्टिंग वार्निंग आपको यह भी मिलेगी एक इंटरेस्टिंग वार्निंग यही मिलेगी कि अधिक एल्कोहल पीने के बाद व्यक्ति अपने राजा के बारे में कुछ ऐसा बोल सकता है कि अगले दिन राजा काम खत्म कर देगा ठीक है तो मतलब तो ये वार्निंग के अंदर ही मेंशन है चलिए तो अब बात करते हैं वापस एनसीआरटी पर नोट करते हैं माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज फ्रॉम टाइम फ्रॉम टाइम immemorial for मेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ wine, लाइक वाइन brandy and ब्रांडी एंड रम के हमें नहीं मालूम कब से परंतु हमारे पास जो भी इतिहास अवेलेबल है उसमें हर जगह पे इसका जिक्र मिलता है एल्कोहल कट के इसीलिए आप देखोगे मैंने आपसे पिछली क्लास में भी कहा था कि आप धर्म ग्रंथों में भी देखोगे आपके आप, आप पुराण पौराणिक कथाओं में देखोगे तो आपको मिलेगा इंद्र का जिक्र मिलेगा आपको आपको एल्कोहल का जिक्र मिलेगा आपको मदिरा का जिक्र मिलेगा आपको ये सारे जिक्र मिलेंगे मतलब ये कि आदमी कब से एल्कोहल बना रहा है एंटीबायोटिक नहीं बनाया आदमी ने पहले वो तो बेचारा जी खोज गए है कुछ ऐसा बनाता है यूटिलिटी के लिए में अब रहा कि की खेती सबसे पहले करना शुरू कर दी आदमी ने किसकी तंबाकू की खेती शुरू कर दी मतलब जो है ऐसी चीजें मैंने कहा ना कि जो है व्यक्ति ने सबसे पहले जो है भाले हथियार ये बनाए नुकीले हथियार लोहे के से भाले के गाड़ी घोड़ा तो बाद बहुत बाद में आया कि गाड़ी बना है एरोप्लेन ये सब तो बाद के लोग जब जब ये सब बन चुके थे मन भरा गया उसके बाद फिर आदमी ने जो है वो अच्छी चीजों पर फोकस किया चलिए तो आ... अभी हम क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि माइक्रोव जैसे कि ईस्ट है इसका इस्तेमाल हम कब से करते आ रहे हैं हमें नहीं मालूम लेकिन ये बहुत पुराना लिटरेचर एवेलेबल इसके लिए जिसमें हमें साफ साफ जिक्र है कि वाइन जो है बियर और विस्की ब्रांडी रम बनाने में इसका यूज हम कर सकते हैं और तस्वीर में आप देख रहे हैं आपको ये ईस्ट दिखाई पड़ा ईस्ट क्या होता है यूनिसोलर युनि, युनि, फंजाई होता है ईस्ट यूनिसोलर फंजाई के ईस्ट जो फंजाई है ये फंजाई के जिस ग्रुप में आती है उस ग्रुप का नाम होता है एस्कोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज ठीक है, इट्स फंजाई यूनिसेल फंजाई, ठीक है, मोस्टली ग्रो करता है ये बडिंग के थ्रू के, बडिंग के थ्रू ये देखो ये बर्ड दिखाई पड़ रही है सेम ईस्ट देखो मैंने कहा ना कि वही ये जो वही ईस्ट है जब ब्रेड बनाएगा ना तो इसको लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे बैकर ईस्ट है जब एल्कोहल बनाएगा, तो बनाएगा तो लोग बोलेंगे ये, ये ब्रेवर्स ईस्ट है ठीक है मैंने क्या कहा आपसे फॉर दिस पर मल्टी सीरियल एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस एन इथेनॉल इथेनॉल क्या सी टू एच फाइव ओ एच सारे बच्चों को मालूम है ठीक है तो मैंने क्या कहा आपसे इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए अब कई बार आपने सुना होगा जहरीली शराब ठीक है, एल्कोहल वो क्या होता है वो होता है मिथेनॉल ठीक है याद रखिएगा जो होता है, के और मिथेनॉल पीने पर व्यक्ति का आईसाइट जो उसका विजन है वो इमीजिएटली चला जाता है और व्यक्ति की डेथ हो सकती है उसमें इसलिए जो है ये जहरीली शराब में शामिल होता है थीके? देखिए आप आपको दिखाई पड़ा ये ये ईस्ट मार्केट में पैकेट्स में अवेलेबल है तो आप देख रहे हैं एक्टिव ड्रा, ड्राई ईस्ट के और ये तो हमारे इंडिया में तो बड़े सख्त नियम है एल्कोहल प्रोडक्शन को लेके कि उसके लिए आपको पता है इंडिया में भारत में एक इंडिया में एक सर्विस होती है आबकारी विभाग होता है एक्साइज डिपार्टमेंट होता है आबकारी है जिसके कई अधिकारियों के पास में जो है जो डिस्टलरी जहां पे भी जो एल्कोहल बनता है उसकी इंचार्ज होते हैं कितना बोतल एल्कोहल प्रोड्यूस हुआ कितने जो है वो कितना क्वांटिटी में एल्कोहल बना कितना क्वांटिटी में एल्कोहल जो है उसको बाहर मार्केट में भेजा गया कितनी क्वांटिटी में एल्कोहल जो है वो रिटर्न वापस आया कितनी क्वांटिटी में एल्कोहल डैमेज डिस्ट्रॉय हो गया है कितना अंगूर अंदर आया था कितना एल्कोल बाहर गया ये सारा रिकॉर्ड भी सरकार रखती है फैक्ट्री चाहे किसी की हो सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड होता है इस चीज का तो हमारे यहां तो बड़ा कंट्रोल है एल्कोहल हमारे यहां पे कई सारे राज्य जैसे बिहार की बात करें हम शराब बंदी है गुजरात की बात करें हम शराब बंदी है कि देर इज नो एल्कोहल यूज क्या एल्कोहल जो है वहां पे मार्केट में बिक नहीं सकता है गुजरात में देखें आप बिहार में देखें आप और भी राज्य जो है वो इसकी तरफ क्योंकि लोगों में एडिक्शन के चलते परिवार टूट रहे हैं एडिक्शन के चलते लोग जो है वो सफर कर रहे हैं इसलिए जो है वो शराबबंदी किया गया लेकिन मैं हमेशा एक बात मानता हूं कि कोई भी चीज को आप फोर्सफुली इंप, इंपोज करते हैं ना ना तो लोग उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं और कभी भी आदमी जो है वो बल से कंट्रोल में नहीं आता आदमी कंट्रोल में आता मन से जो जो मन से नियंत्रण में ले लिया ना वो विजेता है आपको बता दू तो मैं गौतम बुद्ध जो है वो क्यों महान थे गौतम बुद्ध ने मन से लोगों को नियंत्रण में लिया बल से नहीं लिया महान राजा थे सिद्धार्थ जो है वो अपने समय के महान राजा महान युवराज में से एक थे जो चाहते तो तो चक्रवर्ती राजा बन जाते लेकिन उन्हें मालूम था बल से थोड़े समय के लिए लोग लो आपसे डरेंगे लेकिन जब मन से करेंगे तो लोग आपसे सदा सदा आपको याद रखेंगे महावीर गौतम बुद्ध महान सम्राट अशोक ये सब हमारे देश के ही तो के ही तो वो है अद्भुत लोग हैं जिन्होंने ये बताया कि मन जोड़ दिया सब जुड़ जाएगा चलिए तो अभी मैं क्या बात कर रहा था मैं आपसे बात कर रहा था कि आ, जो है जो इ, जो आ, बात कहां से कहां पहुंच गई मैं खुद ही भूल गया एकदम कि मैं कहां शुरू किया था इस बात को तो मैं आपको ये बतला रहा था कि जो ईस्ट है वो ईस्ट जो है मार्केट में ऐसे इस फॉर्म में अवेलेबल है चलो दोबारा याद आएगा तो बात करता हूं आपसे मैं इस बारे में ठीक है तो कभी कभी ऐसा होता है बात करते करते मुद्दा निकला एक दो तीन चार और चार के बाद वो कहां से शुरू किया था वो भूल जाते हैं तो दो दो इसको अदरवाइज बतलेना कई बातों मैं आपसे पहले भी बोलता हूं कि भाई देखो आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए मुझे पढ़ाने में मजा आना चाहिए और दूसरी बात है कि हम सबको सीखना है आगे बढ़ना है तो मैं आपको एक बात बता रहा पे कि, कि, कि आप देखो यहाँ पे एक बड़ा आ, जो क्वेश्चन है वो है कि डू यू रिकलेक्ट दिए इन प्रोडक्शन ऑफ बाय ईस्ट के वो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है आ, कौन सा होता है इसमें जो ईस्ट जो इसको प्रोड्यूस करता है जिससे ईस्ट इथेनॉल को बनाता है सिंपल सी बात है फर्मेंटेशन होता है क्या होता है फर्मेंटेशन देखिए याद रखना फर्मेंटेशन इज ए टू स्टेप प्रोसेस फर्मेंटेशन जो है दो पदों वाली क्रिया होती है इसमें

और इथेनॉल आपको एंड प्रोडक्ट के रूप में मिला आपको के अंतिम उत्पाद के रूप में आपको क्या मिला बेटा CO2 मिला और आपको इथेनॉल अंतिम उत्पाद एंड प्रोडक्ट के रूप में आपको मिला ठीक है अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विथ और विदाउट डिस्टिलेशन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेंड अब देखो मैंने आपसे कहा अलग-अलग तरीके एल्कोहलिक ड्रिंक होता है जैसे मैंने आपसे कहा मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जाम्पल का जो है ये पटेटो से बनता है ठीक है साइडर जो है ये एप्पल से बनता है बियर जो है स्प्राउटेड बार्ली से बनता है विस्की जो है ये ग्रेन या सीरियल से बनती है ठीक है स्कॉच विस्की जो है ये ग्रेप से बनती है ठीक है टकीला जो है ये एगेव से बनती है ठीक है सेक जो है ये राइस से बनता है वाइन जो है ये ग्रैप से बनता है ठीक है बेटा है ना इसमें से आप देखोगे जो वाइन है ये ये विथाउट डिस्टिलेशन है ठीक है इसमें से आप देखेंगे जो आपका बियर है विथाउट डिस्टिलेशन है साइडर विथाउट डिस्टिलेशन है होता तो है आपका ये क्लियर तो जैसे ऐसे जैसे जैसे आप डिश्लेषण करते हैं वैसे वैसे एल्कोहल का परसेंटेज बढ़ जाता है देखिए बियर के अंदर जो हैल्कोहल का परसेंटेज है वो फोर से लेके 6 होता है। के चार से लेकर छह परसेंट होता है सेक में फिफ्टीन से सिक्सटीन परसेंट होता है और विस्की में ये फोर्टी परसेंट से लेके फोर्टी टू फोर्टी फाइव के सिक्सटी परसेंट तक ये हो सकता है ठीक है देखिए ना मैंने आपसे कहा कि टाइप ऑफ ब्रांडी फ्रूट जूस से बनता है ठीक है विस्की सीरियल ग्रेन से बनता है रम जो होता है मोलासस या शुगर कैन से बनता है वाइन जो होता है वो ग्रेप से बनता है बियर बनता है सीरियस विस्की स्पेशली बारली से बनता, से बनता है ठीक है बारली से बनता है आजकल व्हीट बियर भी, भी मार्केट में अवेलेबल होता है जो गेहूं से बनता है ठीक है तो अब कोई भी है कोई भी अल्कोहल बेटा उसको बनाने का तरीका है <स्यास्थ> Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. <laughs> प्रेपर करेंगे आप जो भी ग्रेन आपको यूज करना है जो भी आपको रॉ मेटेरियल करना है ग्रेन्स और फर्मेंटेशन के बाद देखो जो वीएन और जो जो बियर है जो बियर है वाइन है वो फर्मेंटेशन के बाद में प्यूरिफाई करते हैं और मार्केट में सप्लाई कर देते हैं लेकिन यदि विस्की बनाना है स्कॉच बनाना है तो फिर डिस्टिलेशन करेंगे फिर एजिंग करेंगे एजिंग में क्या होता है बेटा बड़े 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 ओक बैरल ओक के बैरल यूज करते हैं लकड़ी के बैरल ओक क्या होता है वुड होता है ओक के बैरल का यूज करते हैं और उसमें जो है वो एल्कोल को भर कर रखते हैं कई सालों के लिए कितने कई सालों के लिए के? दस साल के लिए बीस साल के लिए उसे हम एजिंग करना बोलते हैं ठीक है उसके बाद जो है फिर एलकोल को निकालते हैं ब्लेंड करते हैं उसको फिर मार्केट में सप्लाई करते हैं ठीक है वाइन एंड बियर आज विथाउट डिस्टलेशन वेर आज बिस्की ब्रांडी एंड राम

फिल्मों में दिखाते हैं हीरो आया दो पेग मारे उसने उसका उसने जो है बड़ी बड़ी भारी भारी बातें करी उसने के। आप देखते हो फ आपके लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं कि डिपेंडेंस इज ऑलवेज ए वेरी वेरी बैड थिंग और डिपेंडेंस कब लग जाएगा ये भी नहीं जानता कोई आदमी तो इसलिए ऐसी जो आदतें होती हैं उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है मेडिकल रिसर्च कहती है कि अल्कोहल जो है वो रिस्क ऑफ कैंसर कैंसर की संभावनाओं को अल्कोहल बढ़ा सकता है बढ़ाता संभावना है और ये संभावनाएं महिलाओं में एस कंपेयर टू मेल फीमेल्स में अल्कोहल कंजम्पशन से कैंसर होने की संभावनाएं अधिक होती है ठीक है जो कैंसर का खतरा है फीमेल्स में मेल की तुलना में लगभग दुगना होता है लगभग दुगना होता है वो ठीक है चलिए अब बातें हैं हम अब एल्कोहल की बात खत्म हुई अब दूसरे इंडस्ट्रियल उपयोग की बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की रूप में बात करते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं नंबर एक, एक सिद्धांत है एंटीबायोटिक का एंटीबायोटिक का एक सिद्धांत है मालूम है आपको क्या है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है समझ में ये बात एंटीबायोटिक का एक सिद्धांत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ठीक है और इसी सिद्धांत को पहचान लिया था अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने और इस सिद्धांत को बायोलॉजी में हम बोलते हैं फिनोमिन ऑफ एंटीबायोसिस एंटीबायोसिस के एक साइंटिस्ट थे पॉल एक साइंटिस्ट थे पॉल बुलीमैन के पॉल बुलीमैन ने

Soil में जो बैक्टीरिया है उनके बीच में इतनी स्ट्रांग प्रतिस्पर्धा होती है कि एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए जो है वो कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है और उससे दूसरा वाला बैक्टीरिया मर जाता है सपोज कीजिए जो दूसरा बैक्टीरिया मर गया है ना यदि वो आपकी बॉडी में इंफेक्शन देगा ना तो आपको गंभीर बीमार कर देगा वो बुखार आ जाएगा हाथ पर दुखेंगे ब्लिस्टर हो जाएंगे बड़े बड़े धब्बे हो जाएंगे तो आपने एक दिखा, आपने देखा कि मिट्टी में दो बैक्टेरिया है मिट्टी में दो बैक्टेरिया मान लो एक बैक्टेरिया ए है एक बैक्टेरिया बी है ठीक है बी बैक्टेरिया ने ऐसे केमिकल प्रोड्यूस किए जिससे ए बैक्टेरिया मरने लगा ठीक है आपको यह पता कि ए बैक्टेरिया आपका दुश्मन है एनिमी है आपका ये क्योंकि आपको ये बीमार करता है तो आपने क्या किया आपने एक काम किया आपने? आपने जो बी बैक्टीरिया जो बी बैक्टीरिया, जो केमिकल जो केमिकल रिलीज कर रहा था बना के जिससे ए बैक्टीरिया मर रहा था आपने वो केमिकल लिए और अपनी बॉडी में आपने यूज किया उनको तो ये वाला बैक्टीरिया ए बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आने के बावजूद मर गया वो क्यों मर गया क्योंकि आपने ये केमिकल यूज किया तो दुश्मन ठीक है ये आपका दुश्मन था ये आपका दुश्मन था इसका दुश्मन बी था ये आपका दोस्त बन गया और आपने इससे हथियार ले लिए वो केमिकल ले लिया आपने उससे और वो केमिकल क्या है वो केमिकल है एंटीबायोटिक है ना बात समझ में आई ठीक है तो क्या बोलते हैं बेटा हम कहते हैं कि अब एंटीबायोटिक के बगैर क्लियर मैं क्लियर कर के, आज से पहले आज जब तक एंटीबायोटिक नहीं खोजे गए थे ना तो कोई भी गंभीर संक्रामक बीमारी का कारण क्या था भूत देवी देवता का श्राप ऋषि मुनि का श्राप लेप्रोसी हो गया गांव से बाहर निकाल के बाहर छोड़ के आ गए पिछले जन्म का पाप है कोई बीमारी गंभीर हो गई शहर के बाहर निकाल दिया क्यों क्योंकि कोई इलाज नहीं था

ठीक है और खोजने वाले साइंटिस्ट थे सालमन वॉक्समैन ठीक है सालमन वॉक्समैन ने जो है एस्टेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी की थी एस्टेप्टोमाइसिस से और दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक एंटीबायोटिक जिसका आज भी इस्तेमाल करते हैं मैं क्लियर कर दूं आज भी जब जब सारे एंटीबायोटिक फेल होते ना तो सबसे आखिरी एंटीबायोटिक क्या है इमी पैनाम मेरो पैनम एंड इज पेनिसिलिन ग्रुप एंटीबायोटिक मतलब आज भी यो पहली खोज थी वो आज भी रिलेवेंट है ये एमपी एमोक्सिसिलिन है, है, है। छोटे छोटे भाई बंधु है उसके समझ गए मिलता है टेट्रासाइक्लिन एस्टोटो रिमोसस से मिलता है बड़ा फेमस एंटीबायोटिक है इसको कई बार नियोमाइसिन एस्टोटोसिस

एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस बाय माइक्रोबिकॉर्डेडिकवरी की आप सबसे महान खोज यदि तो एंटीबायोटिक की खोज है और उन्नीस सौ सत्ताईस में ट्वेंटी से इस सेवन इस से इस कहानी की शुरुआत होती है ठीक है इट इज वन ऑफ दी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी जिसने लाखों लोगों की जान को बचाया पेनिसलिन को इसको 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 पहली फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन पहली खोजी गई एंटीबायोटिक थी जिसको हम बोलते हैं वंडर ड्रग अब ये साथ क्यों बोलते हैं चलो हम बात करते हैं आगे से हम वंडर ड्रग बोलते हैं ठीक है क्यों क्योंकि इतिहास है पूरा ठीक पेनिसिलिन के पीछे पूरा एक इतिहास है बेटा एंटीबायोटिक के पीछे हुआ क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ प्रथम विश्व युद्ध हुआ दुनिया के सारे देश बगैर मतलब के आपस में लड़ लिए मतलब एक बार तो आदमी क्या होता आदमी बहुत ही मतलब आपको कई सारे जो जो ऑफ लोग है ना वो पता नहीं किस गुबार भरा होता है वो विनाश करने में कौन प्रूफ कर रहा है किसको किस तक धरती कहां से बांट ली सब बांट बांट के ऐसे ही बांट बांट के लड़ रहे हैं यदि दो भाई है ना तो भाई ने अपने पिताजी ने घर बनाया भाई ने दो दो कमरे बांट लिए तूने मेरे कमरे में मेरे घर के मेरी बालकनी में ऐसा क्यों किया तूने ने यहाँ पे किया छत पे इस तरफ को कपड़े सुखा दिए उस पर भाई भाई लड़ रहे हैं नहीं भाई नहीं लड़ रहे हैं तो उनकी वाइफ लड़ रही है आपस में गांव गांव की कहानी घर की कहानी बांट रहा आदमी जमीन बांट रहा है आसमान बांट रहा है सरहदे बांट रहा है सब बांट रहा है और लड़ रहा है आपस में बगैर मतलब के और यही आदमी यदि मान लो यही यही आदमी यदि जो है ना पक्षी होता तो दूसरा जानवर होता ना वैसा होता तो पूरी दुनिया उसकी होती है। चलो अब मैं दर्शन शास्त्र की बात नहीं करता मैं फिलोसफी की बात नहीं करता मैं आपसे पते की बात करता हूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हजारों लाखों लाखों की संख्या में सैनिक जो है वो घायल हुए और उनके जो घाव थे वो वो ठीक नहीं हो पा रहे थे तो कारण ये है कि अक्सर जो इस तरह के जो वुंड होते हैं घाव होते हैं वॉर वुंड होते हैं उसमें स्टेफाइलो का इंफेक्शन आता है और स्टेफाइलोक्स ऐसा बैक्टीरिया है कि घाव में एक बार चला गया ना तो घाव को सड़ाना शुरू करता टिश्यू को करेगा तो हाथ और सड़ने लगेंगे। तो की जान बचाने के लिए क्या करते थे हाथ या काट देते। यदि हाथ में गोली लगी है कहीं गुंड लग गया है तो अब यह हाथ में इंफेक्शन रहा है लगातार ठीक नहीं हो रहा कुछ दिनों में तो काट के अलग कर देंगे लोग कहते हैं कि लाखों सैनिकों का एम्पूटेशन हुआ एम्पटेशन का मतलब होता है हाथ या का काट देना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जितने लोग थे अधिकांश सैनिक आपको विकलांग रूप में दिखाई पड़े जो घायल हो गए थे अधिकांश विकलांगे इस्ते हैं समझ सकते हैं ये सुनने में लगता है कि अच्छा ऐसा हुआ लेकिन असल में आप करें तो बड़ा भयंकर सीन होगा वो लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब तक एलेक्सेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को खोज चुके थे वर्ल्ड वॉर में और अधिक और बड़ी संख्या में लोग लड़े और अधिक सैनिक घायल हुए लेकिन इस बार जो एम्पिटेशन एक परसेंट भी नहीं हुआ टोटल सैनिकों में से एक परसेंट का भी हाथ या पैर नहीं काटना पड़ा क्योंकि का इलाज मिल गया था बुंड हुआ घाव लगा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक लगा दो काम खत्म ठीक अरे वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा तो हाथ और पैर नहीं काटने पड़े लाखों सैनिकों जो क्योंकि हाथ और पैर कटने से बच गए ये है डिस्कवरी ये खोज मैं कहता हूं आपसे कि कई लोग जो है कई लोग किस बात पे लड़ते हैं हमारे हम जिनको मानते हैं ऐसा बोला हम उनको मानते हैं ऐसा बोला अरे भैया असली लोग तो ये हैं महापुरुष किसको बोलते हो महापुरुष ये जो फर्जी बाबा फर्जी लोग होते ये महापुरुष नहीं है महापुरुष है अलेक्जेंडर फ्लैनिंग महापुरुष है एडवर्ड जेनर महापुरुष है लुइस पाशर है महापुरुष जिन्होंने नक्शा बदल दिया मतलब पूरी कॉन्सेप्ट उन्होंने कि नहीं एंड इलाज पॉसिबल है बॉस हम करके दिखाएंगे टीवी का इलाज लेप्रोसी का इलाज करके दिखाएंगे ठीक है तो थैंक्स टू पेनिसिलिन देखिए कितना अच्छा मैसेज लिखा है तस्वीर में थैंक्स टू पेनिसिलिन तो, 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 ही विल कम एट कम होम ठीक है पेनिसिलिन को धन्यवाद कि वो घर वापस लौट पाया सही सलामत घर वापस आ पाया उसकी जान बच गई क्योंकि समय पर इंफेक्शन को कंट्रोल कर लिया गया ठीक है एंड द क्रेडिट गोस टू दी दिस ग्रेट मैन के मुझसे कोई पूछे ना कि भैया आप किसको मानोगे आप? ऐसे जो लोग हैं ना ये लोग जो है ह्यूमिनिटी के लिए कुछ ऐसा कर गए जो जिसको आज फ्लैमिंग दुनिया में नहीं है लेकिन फ्लैमिंग का नाम लेते ही ऐसा लगता है कि इंसानों में कोई ऐसा इंसान था जिसने पूरी मानवता के बारे में सोचा महान खोज

he found it in the saint mary's hospital in london three swedish magazine uh, usme penicillin ke bare mein zikr kiya gaya unke bare mein fleming was knighted by king george vi in 1944 and shared the nobel prize for medicine in 1945 with uh, howard florey and uh, boris chain for the discovery okay फ्लेमिंग बोलते हैं अपने शब्दों में फ्लेमिंग का स्पीच लिया गया नोबल प्राइज के समय तो फ्लेमिंग बोलते हैं When I woke up just after dawn.

क्योंकि उस समय का वह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कई सैनिक मर गए कई सैनिकों के हाथ पर काटने पड़े तो चर्चा में था तो वो अपने लेबोरेटरी के अंदर जो है बकायदा कल्चर मीडियम में को कसो ग्रो करते थे वो वो और इसके अलावा पेनिसिलियम ने मार्केट से ब्रेड मंगवाते थे जो पुरानी सड़ी हुई ब्रेड होती थी जिनमें फंगस था वो फंगस के ऊपर भी एक रिसर्च कर रहे थे लेकिन दोनों रिसर्च का आपस में कनेक्शन नहीं था इनकी सेक्रेटरी का नाम था मैरी मैरी वो जाती थी मार्केट में दुकानदारों से पूछती थी पुरानी ब्रेड है कितनी पुरानी ऐसी फंगस लग गया हो क्या मोल्डी मैरी आएगी फपून लेने के लिए ठीक है मोल्डी मैरी शॉप वाले बोलते पुराना ब्रेड पड़ गया मत चिंता करू आएगी मोल्डी मैरी उसको दे दे देना वो ले जाएगी एक दिन जब लेबोरेटरी में फ्लेमिंग बड़ा संभलकर काम करते थे कि ये वहां कहीं मिक्स ना हो जाए एक दिन गलती से फ्लेमिंग से जो पेनिसिलियम फंजाई था उसका कुछ-कुछ फंजाई का कुछ हिस्सा जो है वो एक कल्चर मीडियम में जाकर गिर गया जिस कल्चर मीडियम के अंदर स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था फ्लेमिंग ने ध्यान नहीं दिया नेक्स्ट मॉर्निंग जब फ्लेमिंग लौटकर आए वापस लेबोरेटरी में

इस को मार सकता है अब यहां से कहानी शुरू होती है अब इस को और पैसा चाहिए और फंडिंग चाहिए ताकि ये इंडस्ट्रियल लेवल पे आ सके जांच करना है तो फ्लोरी जो है वो हम कहते हैं तब जो है वो फ्लोरी और चैन सामने आते हैं फ्लोरी और चैन ने जो है वो फ्लेमिंग से बोला कि भाई हम तुम्हारे साथ में हैं तुम्हें क्या चाहिए बताओ

कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है ये कुछ नहीं चलेगा ये काम कैसे चलेगा काम ये कैसे होगा फ्लेमिंग पांच साल से बैठे हो चार साल से बैठे हो वही काम कर रहे हैं ठीक है फंगस, 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 फ्लोरिने बोला सब रखो वैज्ञानिक है वो मैनेजर नहीं है अपनी फैक्ट्री के जैसा के जैसा भाई साइंटिस्ट है वो सब्र करो देखो क्या कर रहा है वो

अगेंस्ट दाइफ ऑफ दी देट दुश्मन का दुश्मन समझ गए ना मैंने कहा था दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है आपका एक एनिमी था उसका एनिमी फंगस था फंगस ने केमिकल बनाया आपने उस केमिकल का इस्तेमाल किया तो वो वो बैक्टेरिया बीमारी पैदा करने वाला बैक्टेरिया मर गया तो आपने बोला एंटीबायोटिक यदि अगेंस्ट लाइफ है तो किसकी लाइफ के अगेंस्ट है ये मनुष्य की लाइफ के अगेंस्ट नहीं है ये उस बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट है जो बीमारी पैदा कर रहा है ठीक है तो इसका मतलब अगेंस्ट लाइफ In of the disease -causing the organism, के जब के जबकि मनुष्य बात करेंगे तो प्रो जीवन को बचाने वाले होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं ठीक साफ -साफ है? साफ-साफ लिखा में कि एंटी वर्ड का मतलब, तो एंटी का मतलब है विरोधी बायो का मतलब है का जीवन का पर किसके जीवन का विरोधी उस बैक्टीरिया के जीवन का विरोधी जो बीमारी पैदा करता है ठीक है एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेज विच आर द सम दाइक्रोब and can kill or एंड कैन किल और रिटार द ग्रोथ and दाइक्रोब के the result of the phenomena of फिनोमिना Phenomena of बायोसिस ठीक है ना देख सकते हैं आप ये कार्टून के अंदर कि एक योद्धा है वो एक राजकुमारी को बचा रहा है और अक्षस अच्छा बड़ा छोटा सा है ठीक है आप समझ सकते हैं कि यहां पर एंटीबायोटिक कौन है यहां पर यहां पर एंटीबायोटिक कौन है आप समझ antibiotic.

अलेक्सेंडर फ्लैमिंग वाइल वर्किंग ऑन वंस बैक्टेड ए मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट अराउंड कुड नॉट ग्रोट के उन्होंने देखा कि जब स्टेफलो बैक्टीरिया में प्रयोग रहे थे तो उनके कि फंजाई लगी रह गई थी उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा बाद में उन्होंने पाया कि फाउंड आउट दट वॉज ड्यू टू ए केमिकल प्रोड्यूस बाय दोल्ड एंड नेम्ड इट पेनी आफ्टर दी मोल्ड 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 का नाम क्या था जिसका नाम, इस नाम दिया गया पेनिसिन चूंकि का नाम था Penicillum notatum इसलिए इसको नाम दिया गया penicillin। फर्स्ट एंटीबायोटिक ठीक याद रखिएगा एंटीबायोटिक की भी दो कैटेगरी होती है एक ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं उनको बोलते हैं बैक्ट्रो स्टेटिक बोलते हैं और एक ऐसे होते हैं जो बैक्ट्रा को की ग्रोथ को बैक्ट्रा को मार देते हैं उन्हें बैक्ट्री बोलते हैं तो बैक्ट्रिया बैक्ट्रोस्टेटिक एंटीबायोटिक में आते हैं क्लोरमफेनिकोल इरिथ्रोमाइसिन क्लिंडामाइसिन सल्फोनाइड ट्राई मेथोप्रीम ठीक है टेक्ट्रा साइक्लिन ये बैक्ट्रोस्टेटिक होते हैं और बैक्ट्री में आते हैं एमिनोग्लाइकोसाइड्स टा लेक्टम्स बैंकोमाइसिनियलते हैं के। अब इतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं पर याद रखिएगा कि दो तरह के एंटीबायोटिक होते हैं एक जो ग्रोथ को रोकते हैं और एक जो है वो बैक्टीरिया को मार देते हैं ठीक है its full potential as an effective antibiotic was established much later by बायस Chen and हॉवर्ड फ्लोरिड के फ्लोरी और आंस्टैन ने क्या किया बेटा इन्होंने जो है पेनिसिलिन इंडस्ट्री को लगाया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसका उन्होंने किया ठीक है और इस एंटीबायोटिक का सेकंड वर्ल्ड वॉर में जमकर इस्तेमाल किया गया अमेरिकन को बचाने के लिए ताकि जो है उनको इन्फेक्शन ना फैल सके ठीक है फ्लैमिंग चैन और फ्लोरी को जो है नाइनटीन में इस महान खोज के लिए नोबल प्राइज मिला आई After penicillin, other antibiotics were also purified from the from the other microbe. याद रखिएगा maximum antibiotic, maximum antibiotic आज हमारे पास जो है ना वो मिलते हैं हमको कहाँ से? वो मिलते हैं हमको soil bacteria से. सबसे अधिक antibiotic हमको soil bacteria से मिलते हैं और उसमें भी सबसे common जो soil bacteria group है वो है actinomyces. एक्टिनोमाइसिस ग्रुप जो है बैक्टीरिया का उससे तकरीबन 2100 से अधिक एंटीबायोटिक हमको मिले हैं अब तक ठीक है और मोस्ट ऑफ दी न्यू एंटीबायोटिक भी हमको सॉइल बैक्टीरिया से ही मिल रहे हैं अभी ठीक है फिर मैंने आपको बताया था बेटा कि कुछ एंटीबायोटिक देखो साफ साफ लिखा हुआ है में देखो उसने बोल दिया आपसे कैन यू नेम समीबायोटिक एंड फाइंड आउट देयर सोर्सेज मतलब बेटा तुमसे हम क्वेश्चन कर लेंगे नीट एन टी ए के नाम पे के ना? तो एन टी ए के देख दिखाता था उसके अंदर पता लगा था पता नहीं लगाया हाँ पता लगाओ ठीक है तो मैं बता देता हूं पुरके? पेनिसिलिन पेनिसिलम स्पीशीज पेनिसिलम नोटेटम से खोजा गया पेनिसिलम क्रायसोडियम से कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं एस्टोटोमाइसेज एस्टोटोमाइसेज ग्रीसियस क्लोरेमफेनिकॉल एस्टोटोमाइसेज वैनिजोइल टेट्रासाइक्लिन एस्टोटोमाइसेज रिमोसस नियोमाइसिन एस्टोटोमाइसेज फ्राइडिट के ठीक क्लियर चलिए

यदि आप लंडन में हो और आपको बुखार आता है डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर विल नॉट गिव यू एंटीबायोटिक जब तक आपके ब्लड में बैक्टीरिया डिटेक्ट नहीं होगा वो एंटीबायोटिक नहीं देगा आपको डॉक्टर पूरे यूरोप के अंदर पूरे यूरोप में जहां जहां पे ब्रिटेन के अंदर जहां पर नेशनल हेल्थ स्कीम एनएचएस काम करता है आपको एंटीबायोटिक नहीं देगा डॉक्टर जब तक कि आप सच में गंभीर बीमार ना पड़ जाएं

यदि बैक्टीरिया को इसका ज्यादा एक्सपोजर हो गया ना तो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा भारत ऐसा देश है एक छींक आई खांसी आई मेडिकल स्टोर पे यार भैया दो दिन से थोड़ा छींक आ रही है खांसी आ रही है कोई दवा दे दो मेडिकल स्टोर वाला पत्ता काटेगा दो गोली दे दो गोली देगा ये खा लो खांसी की गोली और ये एंटीबायोटिक खा लो डोज भी पूरा नहीं दिया दे दिया एंटीबायोटिक आपको उठा के आप ठीक आपको लगा डॉक्टर वॉक्टर सब फालतू है मेडिकल स्टोर है दो अपनी के मेरी वाइफ जो है भारतीय उनको भी क्या हैबिट थी उनके बचपन में कि उनको कोई बीमार पड़ी एंटीबायोटिक तो जाते वो एक दिन गोली खाई दो दिन गोली खाई फिर गोली नहीं खाई उनका जो, जो ब्लड कल्चर कराते हैं यूरिन कल्चर कराते हैं तो उसमें 90 परसेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आते हैं जब कभी उनको कभी बीच में एक बार बीमार पड़ गई उनको इन्फेक्शन हो गया तो उनको सबसे हायर एंटीबायोटिक मीरोपैनम वो देना पड़ा मीरोस्ट एंटीबायोटिक में से एक है आप ये समझ लीजिए कि एक इंजेक्शन उसका दो हजार दो हजार से लेकर पांच हजार का एक इंजेक्शन होता है दिन में तीन बार लगता है इंजेक्शन समझ सकते हैं आप कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा मैं कि मेरा पैसा खर्च हुआ इसकी बात कर रहा हूं मैं यह बता रहा हूं कि लेवल ऑफ सीरियसनेस कि उसके बाद क्या तो एक्चुअली में दुनिया भर के डॉक्टर कहीं ऐसा ना हो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना ये सीख जाए और कोई ऐसा कैप्सूल डेवलप कर दे जिससे इनको कंट्रोल करना मुश्किल जाए ट्यूबर टीवी, टीवी का है मल्टी ड्रग थेरेपी से इलाज करते हैं पर लोगों ने टीवी का इलाज गोली खाना शुरू किया छह महीने का इलाज चलता है दो महीने गोली खाया फिर टीबी होगा थोड़ी देर बाद अब दो महीने जो गोली खाए ना तब तक ट्यूबरक्रोसिस का बैक्टीरिया समझ गया अच्छा ये एंटीबायोटिकल से काट दूंगा इसको मैं आप आज समस्या क्या है मल्टी ड्रग नॉर्वे ट्यूबर मैंने नौर्वे, नौर्वे में ओस्लो से मैंने कोर्स किया सात दिन का कोर्स था ट्यूबरक्रोसिस के ऊपर आई एम नॉट अ चेस्ट फिजिशियन आई एम नॉट एन केवल जानने के लिए कोर्स किया तो मालूम चला वी आर हम इंडिया में हार्बर कर रहे हैं बैक्टीरिया को बना रहे हैं कि भाई खा, और खा एंटीबायोटिक और खा एंटीबायोटिक और डेवलप कर क्षमता अपनी जानते ही नहीं हम क्या कर रहे हैं एक जमाने में दुनिया आज के दस साल पहले पूरे वर्ल्ड से लोग इलाज कराने इंडिया आया करते थे मेडिकल टूरिज्म पीक पर था अभी कम हो गया अब सब लोग जाते हैं थाईलैंड सिंगापुर सिंगापुर नंबर वन बन गया अभी एशिया में क्योंकि एंटीबायोटिक का प्रॉपर यूज करते हैं इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक नहीं है

और वो किसी को भी ऐसे प्लागला किसी भी बैक्टीरिया से दोस्ती कर लेता है और उसको अपना प्लाज दे देगा तो कोई खतरनाक बीमारी का इलाज हो सकता है भविष्य में ना कर पाए जिन बीमारियों को हमने आज कंट्रोल कर लिया कल को हो सकता है वो हमारे कंट्रोल में ना रहे इसलिए डर डर के एंटीबायोटिक डॉक्टर यूज करते हैं संभल संभल के यूज करते हैं जो दे रहे हैं भैया पांच दिन तो पाँच दिन पूरा कोर्स करना बगैर डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक नहीं लेना है कहने का मतलब ये सामान्य बीमारी में सर्दी जुकाम में एंटीबायोटिक कोई हेल्प नहीं करता नो नीड ऑफ एंटीबायोटिक क्लियर तो चलिए और आज भी हम आज भी संभावित खतरे से बचने के लिए आज भी हम नए एंटीबायोटिक खोज कर रहे हैं और आपको बता दू तो मैं बहुत सालों से कोई नया अद्भुत एंटीबायोटिक नहीं मिला हमको अभी हम वही जो एंटीबायोटिक पहले से खोजे गए ना उन्हीं के डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ठीक है हमने कहा सेप्रोफ्लोक्सेन ठीक है ठीक है हमने कहा एजिथ्रोमाइसिन मतलब उसी ग्रुप में से निकाल रहे हैं नया कुछ नहीं खोजा हमने बहुत दिनों से साइंटिस्ट कहते हैं यही तो खतरे की बात है कि नया नहीं खोजा हमने क्योंकि वो कल को दी कोई कोई खतरनाक बैक्टीरिया आ गया तो बचा पाना मुश्किल हो जाएगा ह्यूमन रेस को चलिए तो, तो चैप्टर में मजा आ रहा है नहीं बताओ पहले पहले तो बताओ है ना जानने वाला है मजे वाला चैप्टर हम पढ़ और पूरा कवर करते चल रहे पढ़ना बेटा हमको हमको एग्जाम में फोड़ कराना हमको के हर चीज को जानने के लिए पढ़िए याद तो अपने आप हो जाएगा ऑल बेस्ट दाई मैन डॉ बायोमैट्रिक्स ज्वाइन डब्ल्यू 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 डॉट बायोमेट्रिक्स डॉट ऑनलाइन Here you can solve daily practice papers. An online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a mentor's online app. From Google Play Store.